प्रधानमंत्री थोड़ी देर में राम मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि मोदी की राम भक्ति विपक्ष को क्यों चुभती है। दरअसल ये सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत के एक बयान से पैदा हुआ है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर संजय राउत ने तीखा हमला किया। राउत ने कहा कि बीजेपी पहले दो चरणों के चुनाव में पिछड़ गई है, इसलिए अब पीएम मोदी द्वारका और अयोध्या जा रहे हैं। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया। दो चरण जो हो गए हैं चुनाव के, उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, तो अब राम नाम सत्य है। राष्ट्रपति जी को वहां भेजकर कुछ काम करने का कोशिश किया है। अब खुद मोदी जी जा रहे हैं, द्वारका जाएंगे, मथुरा जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, सभी मंदिर मंदिर घूमेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, महंगाई हो बेरोजगारी हो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पुलवामा क्यों हुआ उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, और कल दिन दहाड़े पूंछ में हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ और जवान शहीद हो गए, उनके ऊपर अयोध्या में बैठकर वो बात नहीं करेंगे। बस राम के नाम पर होट दो, राम नाम सत्य है, यही कहेंगे। लेकिन अब जनता उनको इस मामले में कोई मदद करने की मूड में नहीं है। संजय राउत ने राम का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में राम का नाम लेकर विपक्ष पर जवाबी वार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर के निर्माण को लटका कर रखा, प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवाया। पूरे देश ने तय किया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को रोक कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी भी मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो खुद राम मंदिर के बहुत बड़े पैरोकार रहे, हमेशा से उनकी राजनीति के केंद्र में रहा ये मुद्दा। खुद अगर वो भी यहाँ आएंगे तो राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं रोड शो करने के लिए, तो दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसे आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या वो आपकी राजनीति थी और क्या अब अपनी राजनीतिक मजबूरियों के तहत आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, एक बात है कि आज की चर्चा में मैं देख रहा हूँ के शर्मा जी है, संगीत रागी जी है, और आपने ये आयोजन किया तो आयोजनों के अंदर सब कुछ दिख रहा है जिसमें बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ ये रोड शो है और बीजेपी की प्रचार यंत्रणा है। मैं याद दिला दूं मैं कि बाला साहब ठाकरे और सुभाष देसाई, इन दो लोगों को चुनाव के आचार संहिता रहते हुए राम प्रचार के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका गया था। अब मैं आज ही बता दे रहा हूं, आज का ब्रॉडकास्ट और आज की ये रोड शो और यह चुनाव में जब अपना हैदराबाद के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का प्रचार करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये चुनाव डिस्क्वालीफाई कैसा होता है। और मैं यही क्लिप लेके जाऊंगा। किशोर तिवारी जी, एक बात बताइए कि क्या इससे पहले हमने नहीं देखा है, हमने राहुल गांधी को या तमाम और नेताओं को, कि वो अपने चुनाव प्रचार से पहले जहां पर भी वो होते हैं वहां जो मंदिर होता है वहां वो पूजा अर्चना करते हैं और फिर चुनाव प्रचार शुरू करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या में है तो राम मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अपना रोड शो करेंगे। ये करने के लिए तो कोई नहीं रोक रहा। अपने प्रचार के दौरान जब वो
चुनावी प्रचार कर रहे होंगे, तब अगर वो धर्म का नाम लेकर कुछ ऐसा करते हैं तो वो आचार संहिता का उल्लंघन होगा ना। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं वो ये कि राम मंदिर की पैरोकार शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राम मंदिर से इतना उनका विरोध क्या राजनीति की वजह से है, या वो राजनीति थी, या ये राजनीति है, क्या है राजनीति असल? राजनीति और धर्म अलग अलग है। हम राम भक्त थे, राम भक्त रहेंगे, और मोदी जी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारी राम भक्ति यह अटूट है, और मोदी जी की राम भक्ति ये चुनावी राम भक्ति है, और वो राम मंदिर का इंकैचमेंट कर रहे हैं। अभी अमित शाह की भी आपने क्लिप बताई, उसके अंदर भी उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे। ये सारा का सारा विपक्ष के पक्ष में जा रहा है और भाजपा चुनाव में। लेकिन लेकिन आप खुद स्वीकार करें कि बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े पैरोकार थे राम मंदिर के, उनके उस बयान के लिए जिसके लिए उनको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, तो फिर अब क्यों शिवसेना विरोध करी? ये भी तो शिवसेना उद्धव गुट क्यों विरोध कर रहा है, बड़ा सवाल है। लेकिन हम एक साथ ही बता दें, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो भी दर्शन कर रहे हैं। योगी हमारे साथ पंकज झा भी बने हुए। पंकज, हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सारे इंतजाम का जायजा भी उन्होंने लिया, साथ ही दर्शन इस समय वो कर रहे हैं। जो अंदर की तस्वीरें हैं राम मंदिर परिसर के अंदर की, राम मंदिर में गर्भगृह की, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। रामलला के दरबार में इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद वो रोड शो का हिस्सा भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो करेंगे यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, अब से कुछ देर में 6:40 पर समय प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने का। हर तस्वीर हम सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी भी बने हुए हैं। संगीत रागी जी, लेकिन ये जो विपक्ष द्वारा बार बार हमला किया जाता है, और इस वक्त जो संजय राउत ने कहा है, इस वक्त हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद है, वो भी यही कह रहे हैं कि दो फेज में जो हुआ है उसके बाद, और जो बड़ा नैरेटिव है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, उसे एक बार फिर रीएम्फसाइज करने के लिए, एक बार फिर उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं, क्या ये वजह है? सुमेरा, मुझे लगता है कि यदि ऐसा है भी तो कोई गलत नहीं है। देखिए, भगवान राम को जब रावण को मारना था तो भगवती की उपासना में गए थे, तब तो कोई किसी ने ये नहीं कहा था। भगवान राम भगवती के पास गए और उन्होंने कहा कि रावण जैसा आतताई और अत्याचारी को मारना है तो भगवती से शक्ति प्रदान लेना ही पड़ेगा। वही विपक्ष का है। देखिए, विपक्ष आज चोरों की बारात जैसी है। अब आज जो हालत है शिवसेना की, मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, एक कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि आज बाला साहब ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे के नियति और उनके निर्णय तीनों को वो घोर 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 विरोध करते। उन्होंने एक बार कहा था सोनिया गांधी के यहाँ आप जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं हिजड़ा हूँ क्या। सो ऐसी बात किसने किया? आज सोनिया गांधी के दरबार में सरेंडर होने का काम किसने किया, जिसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जहां तक दूसरी पार्टियां हैं, ये सारे के सारे अपराधी और इस्लामिक रेडिकलिस्टों के आगे बिछे हुए हैं, चर्च के आगे बिछे हुए हैं। तो एक एक नरेंद्र मोदी जिन्होंने राम मंदिर के पुनरुद्धार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इस सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कांग्रेस यदि उसका श्रेय भी यदि लेता है तो इसमें क्या गलत है? ये तो सच है ना कि एक विदेशी इस्लामिक आक्रांता इस देश के राम मंदिर को तोड़ा, उस जगह पर 500 साल से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था एक मंदिर निर्माण करने के लिए, और जितना विदेशी ताकतों ने इसका विरोध किया उतना ही कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, उतना ही वामपंथियों ने किया, उतना ही समाजवादी पार्टी ने किया, जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दीजिए तो सारे लोगों ने विरोध किया। आज का दुर्दशा देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का, किया जो भी राम विरोध पर आप पड़े। इस पर मुकेश नायक जी का जवाब ले लेते हैं कि संगति का कितना बुरा असर। मुकेश नायक जी का जवाब ले लेते हैं। मुकेश नायक जी, संगीत रागी ने क्या कहा वो भी आपने सुना, इससे पहले के शर्मा जी क्या कह चुके हैं वो भी आपने सुना, लेकिन अगर मंदिर निर्माण करवाया है बीजेपी ने, जैसा कि लगातार बीजेपी द्वारा अभी कुछ देर पहले हमने अमित शाह को भी सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया राम मंदिर और वो उसमें अहम उनकी भूमिका रही है, अगर ऐसा है और वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम इसके पैरोकार हैं और हमने ये किया है, तो वो क्यों ना ऐसा करें? नहीं, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस पर है, जैसे रामचरितमानस में लिखा है, बेचहिं वेद धर्म दोहे लेहिं।
जो ज्ञान को बेचते हैं और धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं और राजनीति को धर्म का औजार बनाते हैं, राजनीति को धर्म से जोड़कर उसको सांप्रदाय की तरफ धकेलते हैं और एक विभाजनकारी दृष्टिकोण देश की जनता के सामने रखते हैं, इसका विरोध है। हमारा कहना ये है कि आप प्रभु राम के पास जा रहे हो, पर उनका उनका अनुशासन, उनका शील, उनका चरित्र भी आपके भीतर आना चाहिए। कोई प्रभु राम 2700 लोगों के साथ बलात्कार करने वाले के साथ खड़े हुए थे क्या? ऐसा लगता है कि जैसे तो, 22 जनवरी के पहले राम थे ही नहीं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, दर्शन करें उसके बाद रोड शो करें, ये इसको लेकर कोई राजनीति नहीं है। अरे भाई, वो तो दर्शन तो एक प्रचंड रूप है, वो तो रोड शो करने वहां गए हैं, बीजेपी का कार्यक्रम करने गए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक धर्मांधता पैदा करके। लेकिन मुकेश जी, राहुल गांधी की ऐसी हमने तमाम तस्वीरें देखी, पिछली बार जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का उसके पहले और तमाम और चुनावों में हमने ऐसी तमाम तस्वीरें देखी, जब वो कहीं पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए, वहां पर जो मंदिर था वहां दर्शन करने के लिए। प्रियंका गांधी की ऐसी तस्वीरें हमने देखी, जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए गई या वोट करने के लिए गई, तब भी उन्होंने पहले दर्शन किए, पूजा अर्चना की, फिर वो आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री अगर अयोध्या में मौजूद हैं और वहां वो दर्शन करने के बाद रोड शो करने वाले हैं, तो इसमें राजनीति क्यों दिखाई देती है आपको? कृपा पूर्वक पूरी बात हमें करने दे। जी बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि सब लोग धर्म को माने, दर्शन करें, अपने अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे के धर्म का सम्मान करें, लेकिन ये तो ना करें ना कि धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं, ये तो ना करें ना कि देश में एक विभाजनकारी धर्मांधता पैदा कर रहे हैं। देखिए आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये विष्णु भगवान के अवतार है मोदी जी, ये हनुमान जी के अवतार है, यानी जो नवधवक्ति का ज्ञान है सबरी को जो दिया मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने केवट से नाव मांगी थी, मोदी जी ने केवट। शर्मा जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। के शर्मा जी, धर्मांधता बढ़ा रहे हैं जी, मैं आती हूँ रागी जी, के शर्मा जी भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं जी। नहीं, हम पे तो आरोप है कि हम धर्मांधता बढ़ा रहे हैं, ये तो सनातन को गाली बक रहे हैं, ये तो सनातन को गाली बक रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं। डेंगू मलेरिया आप बता, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अंदर क्या बोल के आए? आपकी बोलती बंद हो गई इस समय कि शिव जो है राम से लड़ेंगे। आप अपने आप को बहुत बड़े रामचरित मानस के व्याख्या दे रहे थे अभी, खड़गे साहब को नहीं जाके समझाया आपने, ये क्या बता रहे थे वो कि भगवान शिव राम से लड़ेंगे? आपकी बोलती बंद थी उस समय। मैंने पूछा कि भगवान राम काल्पनिक हैं, ये आपके एफिडेविट है कांग्रेसियों का, ये बताइए, उस पर आपकी बोलती बंद है, जवाब नहीं निकलते आपके। भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये आपके कांग्रेसियों ने पूछा ना, उस दिन आपका ये धर्म नहीं जागा अंदर से, आपकी नैतिकता मर गई थी उस दिन, धर्म समाप्त हो गया आपका। मैं इसलिए कहता हूं ये ढोंग मत रचिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नीचे मत गिरिए, देश को, सनातन को, देश की संस्कृति को अपमानित मत कीजिए, कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग। ठीक है मुकेश नायक जी, और सुमेरा जी एक बात बार बार सुन लीजिए, एक बात बार बार कह रहे हैं महिलाओं का, मुकेश नायक जी ये आपकी पार्टी है ना, आपके ये बड़े नेता होते थे युवा नेता, और कांग्रेस पार्टी की नेत्री को जिंदा उसके साथ बलात्कार करके बोटी बोटी काट कर तंदूर में भून दिया, याद है आपको घटना? आपको याद है ये तंदूर कांड? तो कौन है ये भावरी देवी कांड, याद है आपको? संस्कृति का पैरोकार ये भावरी देवी कांड आपको याद है? कौन सी भावरी देवी? यानी बीजेपी, आपको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है? क्या बात करते हो आप लोग? बैठ हो गया, आपने बोल दिया, अब उनको जवाब का भी मौका देंगे ना, कि हम जवाब भी तो देंगे वो। लेकिन मुकेश नायक जी संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर हमें हमारे जो संवाददाता है उनके पास जाना है। जी मुकेश, रामचरितमानस में लिखा है, रामचरित तुम आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, रामचरितमानस मत पढ़ाइए, बहुत लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यहाँ प्रवचन करने नहीं आए। मध्य प्रदेश में क्या कहा जा रहा है अब उसका जवाब आपने भी नहीं दिया ना, तो अब उनको जवाब देने दीजिए, वो जिस तरह से जवाब, मध्य प्रदेश में आप अभी पूछे मैं जवाब देता हूँ, क्या कहा मध्य प्रदेश मुकेश नायक जी, जवाब दीजिए।
आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के जरा स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लीजिए और आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश की भारत की लोक सभा तंदूर कांड बताओ ना भैया, तंदूर कांड बताओ, भावरी देवी कांड बताओ। उसके बाद तो आपने अपने खड़गे साहब का बयान बताओ, क्या बोला खड़गे साहब, बीच बीच में बोलेंगे तो क्या बताएंगे। शर्मा जी जवाब सुन लेते हैं, समय नहीं है, जवाब सुन लेते हैं आप, ये तरीका क्या है, आप इधर उधर रामचरितमानस का पाठ पढ़ाओगे यहां पे बैठ के। शर्मा जी, के शर्मा जी आप अपनी बात रख, क्यों नहीं उनकी बात रखने दीजिए, नहीं उनसे कहिए ना विषय पर आए ना, रामचरितमानस ना पढ़ाए, ठीक है ठीक है, उनको रामचरितमानस का क्लास नहीं चल रहा। के शर्मा जी उनको जवाब देने दीजिए, उनको जैसे जवाब देना देने दीजिए, सवाल मैं पूछ लूंगी उनसे ना। मुकेश नायक जी, इन्होंने अभी अपराधों की बात की, क्या किसी के शासन में कोई गलती हुई है तो क्या लगातार वो दोहराई जाएगी? इसको किस तरह का उदाहरण बांध के ये कोट कर रहे हैं? क्या किसी ने इस तरह का दुर्दांत अपराध किया है, उसको अजन्म कैद की सजा हुई है, उसने 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 उसकी सजा भोगी है, उसको तो उसकी सजा मिली है? बात की पढ़ाते हो जनाब, ठीक है, ये देखो ये कोई सिंपोजियम हो रहा है क्या, इस तरह की नेशनल टीवी पे आप डिबेट कर रहे हैं, आप कम से कम मुकेश नायक जी, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो क्यों ना यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुकेश नायक जी, बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, अगर अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, तो क्या वो दर्शन करने नहीं जाएंगे? वो भी दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाएंगे, रोड शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य धार्मिक आस्थाओं का दोहन करना नहीं है, हम पूरे चुनाव का नैरेटिव जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों के आसपास लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर बातचीत हो। हम कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, ये कहते हैं जय श्री राम। हम कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने के लिए कहा था, क्यों नहीं दिया, ये कहते हैं जय श्री राम। हम कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाइए, क्यों नहीं बना रहे आप, ये कहते हैं जय श्री राम। ठीक है मुकेश नायक जी, तरीका है, आप ये कह रहे हैं कि दर्शन करने जाएंगे लेकिन चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, यानी रोड शो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी तमाम, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर पहले दर्शन पूजन किया और फिर चुनाव प्रचार का हिस्सा बने। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ये कर चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम और पार्टियों में भी ये होता है, तो फिर इस घटना को अलग क्यों करके देखा जाए? इस घटना को अलग करके इसलिए देखा जा रहा है कि ये बगुला भक्ति है, ये बगुला भक्ति है और ये मुख्य नैरेटिव है बीजेपी का। ये किसान, खेत खलिहान, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ संगीत रागी रिपोर्ट कार्ड करें, ठीक है, चलिए के शर्मा जी, जी बोलिए के शर्मा जी, मैं संगीत रागी जी माफ कीजिएगा, उसके बाद आती हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मुकेश नायक जी से किया कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां जाएंगे तो दर्शन करने जाएंगे कि नहीं। 70 साल के इतिहास में गांधी खानदान ने कभी भगवान राम का वहां पर दर्शन नहीं किया, एक आदमी नहीं गया आज तक, ना नेहरू गए, ना इंदिरा गई, लेकिन राजीव गांधी ने ताला तो खुलवा दिया था। सुन लीजिए, वो कहते हैं हम ही बड़े राम भक्त हैं। सुन लीजिए, कोर्ट के आदेश पे ताला खुला था, राहुल गांधी ने नहीं खुलवाया, राजीव गांधी बस का भी नहीं, बन रहा है। अरे सुन लो भाई, मैं अपनी बात एक बार कह दूं। यही राहुल गांधी, आपको याद होगा, हनुमानगढ़ी तक गए थे लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, नफरत थी। यही नहीं, अखिलेश यादव ये भी नहीं जाएंगे, इन लोगों को तो न्योता दिया गया बाकायदा, न्योता देकर बुलाया प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। राहुल गांधी को तो न्योता नहीं दिया गया था, सोनिया गांधी को न्योता दिया गया था। हाँ तो सोनिया गांधी अलग है क्या, उनकी माँ है ना, जा सकती थी ना, खड़गे साहब उनकी पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मिला या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न किया ना, अरे आप वहां की उसकी रोड शो की तो बात छोड़िए, ये तो भगवान राम के दर्शन करने की नहीं, मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के कब्र में फूल चढ़ाएंगे, माथा नवाएंगे कब्र मुख्तार अंसारी के कब्र पर, लेकिन वही जो है अयोध्या में उस समय क्या बोला कि न्योता पे नहीं जाएंगे, हमारे मन है हम तो कभी भी चले जाएंगे, लेकिन यही बयान उद्धव ठाकरे का था, लेकिन आज तक समय नहीं मिला उद्धव ठाकरे। शर्मा जी, के शर्मा जी, बीजेपी के भी ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता है जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जब 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 न्योता मिलेगा, जब ऐसा ऐसा सुमेरा जी मंदिर है, कहा जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तब व्यक्ति पहुंच जाता है दर्शन करने के लिए, वो आज बुलाएं, वो 6 महीने बाद बुलाएं, तो जब पहुंचेंगे, जब उन्हें भगवान बुलाएंगे, यही कहा था ना कि सुमेरा जी, इन लोगों ने बयान दिए हैं कि भगवान जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे, उनके मुताबिक आपका राजनीतिक कार्यक्रम था,
उसमें बीजेपी राजनीति कर रही थी इसलिए नहीं जा रहे थे। सर, इन लोगों ने बयान दिया उस समय की, अभी जो कार्यक्रम हो रहा है और राजनीतिक कार्यक्रम है वो हम उसके बाद जाएंगे, ये बयान दिया है, यही कहा था ना उन्होंने कि राजनीतिक कार्यक्रम है हम बाद में जाएंगे। ठीक है, चलिए, इनको समय नहीं मिला वहां तक तो मुख्तार अंसारी के कब्र में जाने का समय है। यही मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने कहा था कि राजनीतिक कार्यक्रम है, हम इसमें क्यों जाएं, हम बाद में जाएंगे जब भगवान बुलाएंगे, हम चले जाएंगे दर्शन करने। तीन महीने बीत गए ना, राजनीतिक कार्यक्रम में ठीक है संगीत राज, ये उद्धव ठाकरे भी क्यों नहीं गए, इनसे पूछे किशोर जी, किशोर जी क्यों नहीं गए उद्धव, क्योंकि ये सोनिया सेना है, ये शिवसेना भी नहीं है, ये सोनिया सेना बन शर्मा जी बहुत बड़े राम भक्त हैं, बाला साहब ठाकरे भी बहुत बड़े राम भक्त थे और राम मंदिर के पैरोकार भी थे, तो फिर क्यों नहीं गए दर्शन करने के लिए। नहीं नहीं, हम क्या बीजेपी के इंस्ट्रक्शन पे थोड़ी है, हमने उद्धव जी और राहुल सोनिया गांधी के इंस्ट्रक्शन पे है ये, अरे सोनिया गांधी के इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं के शर्मा जी, बोलने दीजिए, सोनिया गांधी के बहुत देर से खामोश बैठे हैं, के शर्मा जी बोलने दीजिए ना, पहले बोलने दीजिए जी, बोलिए किशोर। देखिए उद्धव जी और आदित्य जी ने राम लला के दर्शन लेने कई बार आए हैं और जैसे ही चुनाव अभी जीत लेंगी इंडिया गठबंधन तो बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आज अयोध्या के अंदर जो कुछ देख रहा हूँ वो तो बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लग रहा है, चुनाव का प्रचार लग रहा है, तो संगीत रागी जी क्या ये अनुचित है, आचार संहिता में बैठा है, मुझे बताइए ना, ये तो बताइए संगीत रागी जी, आप प्रोफेसर हो, पूरे का पूरे बीजेपी के पोस्टर बैनर और सब हाथ में लेकर ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये कोई उचित है? किशोर जी उनकी चुनावी सभा है, रोड शो है, वो चुनाव के लिए ही है, लेकिन उसके पहले वो दर्शन करेंगे वो अलग है, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री इसलिए दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद एक रोड शो करेंगे। हाँ तो रोड शो, रोड शो तो बैनर बीजेपी ने लगाए सर, रोड शो तो पोस्टर बैनर और बीजेपी ने लगाए हैं, बीजेपी ने और कौन लगाएगा, कम बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है, अच्छा बीजेपी कौन लगाएगा कार्यक्रम है, ये सोनिया सेना के लोग आएंगे अंदर वोट के लिए राम का नाम का उपयोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। रोड शो तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, राम मंदिर दर्शन को कैसे देखते हैं, ये बताइए किशोर जी, रोड शो तो राजनीतिक ही है लेकिन राम मंदिर दर्शन जो प्रधानमंत्री करेंगे उसे आप कैसे देखते हैं, वो आस्था है, वो धर्म है या वो भी राजनीति है, उसको कैसे देखते हैं, मंदिरों में ताला लगाएंगे,